अमली के गांव केटरू से है, जहां हरियाणा के एसटीएफ और पुलिस हत्या के मामले में वंचित चल रहे इनामी बदमाश को पकड़ने आई थी। बताया जा रहा है कि आरोपी को पकड़ लिया गया था, लेकिन आरोपी के परिजनों और ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों का विरोध कर उनसे मारपीट की। आरोप है कि पुलिसकर्मियों के साथ लाठी डंडों से मारपीट गई, इनामी हत्यारे को भगा दिया गया है। इस पूरे घटना को वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया गया है। मारपीट में 3 पुलिसकर्मी घायल भी हो चुके हैं। हम आपको बता दें कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा है और घायल पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी करा दिया गया है। वहीं मामले में एसएसपी ओपी सिंह का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूर की जाएगी। ये हरियाणा स्टेट के मधुबन थाने का एक वांटेड क्रिमिनल था जो 25,000 का इनामिया था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ सोनीपत की टीम, जिसमें कुछ शायद 6-7 उनके टीम के मेंबर थे, दबिश के लिए आज यहाँ लोग आए हुए थे। वो उस अभियुक्त की, जैसा सोनीपत पुलिस का ये कहना है कि उसको जो इनामिया था उसके गिरफ्तारी में तमाम लोगों द्वारा बाधा डाली गई और उनके शायद सरकारी पिस्टल वगैरह थी, इसको भी छीना गया और इस तरीके से पुलिस मुजाहमत की घटना हुई है। इस घटना के संदर्भ में हरियाणा पुलिस द्वारा थाने को जो तहरीर दी गई है उसमें उचित धाराओं में अभियोग का पंजीकरण कराया गया है। जो अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न की गई है, जो लोगों द्वारा कानून व्यवस्था के प्रतिकूल स्थिति पैदा की गई है, इसमें नियमों के अधीन इनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। सर, कितने पुलिसकर्मी घायल हुए हैं? अभी दो लोगों की समर्थ मेडिकल कराया गया है और बाकी सारी चीजें विवेचना के माध्यम से, और भी कोई जो भी अगर कोई घायल होगा या बाकी चीजें आएंगी वो हम सम्मिलित करेंगे। आपके माध्यम से इतना मैं जरूर करना चाह रहा हूँ कि जिस किसी ने भी अगर इस तरीके से, चाहे वो पुलिस कहीं की भी हो, अपने नियमानुसार कार्य करने गई थी, उसमें सरकारी कार्य में बाधा डालना या उसका असलहा लूटने का दुस्साहस किया है, उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई होगी।